आज मैं पाठ्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूँ जो कैलकुलस का कितना पाठ्यक्रम है। आप इसको देखकर लिख सकते हैं कि पाठ्यक्रम में यानी कि कलन शास्त्र कैलकुलस में पार्ट वन और पार्ट टू में हमको क्या क्या पढ़ना है, यही सारे चीज़ आपको कैलकुलस में पढ़ाया जाएगा। ये टाइप वन यानी कि कुछ सूत्र है, आप इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा और इसी सूत्र के हिसाब से मैं आपको आगे पढ़ाते रहूँगा। आप देखते रहिएगा क्योंकि फॉर्मूला बार बार बोर्ड पर नहीं लिखा जाएगा। ये सारे सूत्र है, सारे सूत्र को आप याद कर दीजिएगा जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था। ये सारे फॉर्मूला फर्स्ट ईयर का है आपका। ये है मापांक के गुण, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टी है मॉडुलस के कुछ गुण बताया गया है इसमें। उसके बाद महत्तम पूर्णांक के कुछ गुण दिया गया है। उसके बाद से शून्य के यहाँ पर गुण बताया गया है। आप सारे सूत्र को ध्यान से पढ़ करके याद कर लीजिएगा क्योंकि सारे सूत्र का उपयोग अब आपके साथ होते जाएगा ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। यही सारा फॉर्मूला है बाबू, आप जितना फॉर्मूला याद करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। अब देखिए आगे के प्रयोग में आने वाले कुछ सूत्र, जो त्रिकोणमिति के सूत्र है, सारे त्रिकोणमिति के सूत्र का भी उपयोग यहाँ पर मिलेगा। तो सूत्र आप याद रखिएगा, आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति आपका साथ छोड़ देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। जितना आपको फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़ाया गया है सारे फॉर्मूला सेकेंड ईयर में यूज होता है, यानी सब प्रयोग में आता है। तो आप सोचते होंगे कि हम पढ़ेंगे नहीं याद करेंगे तो काम चल जाएगा, तो बिना सूत्र का बाबू आपका काम नहीं चलेगा। तो आप जब जब आपको समय लगता है तो सूत्र को याद करते रहिए ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। कुछ लघु गुणों के मैं यहाँ पर सूत्र दे रहा हूँ आपको। ये सारे सूत्र का आप देखिए उपयोग कीजिएगा क्योंकि ये सारे सूत्र का बहुत जरूरी होता है। अब लघु गुणों मैंने पढ़ाऊंगा आपको पांच, यानी कि आपको इसी चैप्टर में मिलेगा लघु के प्रयोग, तो वहाँ पर मैं इस सारे फॉर्मूला को चर्चा करता हूँ। तो फिर भी आप इसको याद रखिएगा ताकि वहाँ पर मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में 100% आ जाएगा। अब फिर वहाँ बोलेंगे कि हम नहीं पढ़े हैं। देखिए लिमिट, लिमिट के बारे में कुछ जानिए कि माना यानी लिमिट क्या है। सीमा में तो सीमा होता है, यानी माना कि वाई बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फलन है तो इसके समीकरणों को एल टी या एल आई एम द्वारा सूचित किया जाता है तथा इसे निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है। जैसे इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन हल होगा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, या आपका लेसन चैप्टर बनेगा तो चैप्टर में 100% आपको समझ में आएगा। तो इसमें अब उसके बाद आगे दिया गया, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, सीमा के गुण, यानी कि यदि एफ ऑफ एक्स और जे ऑफ एक्स कोई दो फलन हो तो लिमिट एक्सटेंस ए पर सीमा के निम्नलिखित पांच गुण होते हैं, यानी कि जोड़ घटाओ गुना और भागा और कॉन्स्टेंट राशि, यानी कि यहाँ पर दिया गया ना कि यानी कि कोई भी संख्या रहेगा तो क्या होता है बाहर निकल जाता है, जहाँ के क्या है एक नियतांक है। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर में आपको कुछ लिमिट का सूत्र बताया गया था, सीमा के निम्नलिखित सूत्र होते हैं जो इस प्रकार है, ये तो फर्स्ट ईयर में बताया गया था, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि बिना इसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि पाँच पॉइंट में भी आपको आगे जरूरत पड़ेगा इसका। जब जब आप सूत्र याद रखेंगे तब तक आपको 100% समझ में। अब आगे सीमा के भेद, यानी कि सीमा के निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट, लेफ्ट, राइट। इसे आलेखी रूप में बताए हैं किस तरह से, आप देख सकते हैं लेफ्ट, डायरेक्ट और राइट लिमिट के माध्यम से आपको बताया गया है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है आपको। उसके बाद डायरेक्ट लिमिट का परिभाषा दिया गया नीचे, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद राइट लिमिट, राइट लिमिट मैंने राइट लिमिट का डिफिनेशन मैं दिया हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं। और टाइप वन और टाइप टू भी मैं दिया हूँ, इसे ध्यान से आप पढ़िएगा क्योंकि ये सब सूत्र है। और इसके बाद से आपका चैप्टर चालू होगा, उस चैप्टर को ध्यान समझिएगा, आपको 100% आएगा क्योंकि फॉर्मूला लिखने से ही काम नहीं चलता है। जब तक उस पर सवाल नहीं बनता है तब तक आपको समझ में नहीं आएगा।